मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने बृहस्पतिवार को सोनीपत, करनाल व पानीपत में छापेमारी की। सीएम फ्लाइंग की तरफ से उपमंडल अधिकारी के कार्यालय में छापेमारी को अंजाम दिया गया, जहां पर कर्मचारी अपने समय पर ड्यूटी पर नहीं पहुंचे। सोनीपत के एसडीएम कार्यालय व सरल केंद्र कार्यालय में करीब 12 कर्मचारी नदारद मिले। टीम की तरफ से लाइसेंस रिन्यूअल आरसी व नई लाइसेंस सहित आरसी की फाइलों को कब्जे में लिया गया है। आज सीएम प्लान की इंस्पेक्शन चल रही है, जिसमें 9 बजे के अराउंड सीएम प्लान इंस्पेक्शन पे आई तो हमारे 4 कर्मचारी और कुछ ऑपरेटर, लगभग 12 कर्मचारी उस टाइम ऑफिस में मौजूद नहीं थे, जिनकी सीएम प्लान ने अपने लेवल पे भी उनके हेडक्वार्टर पर रिपोर्ट भेज दी। हमारे लेवल पे भी जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर, आरसी और जो लाइसेंस बनते हैं उनकी भी जाँच की जा रही है। हाँ, उनकी भी जो उनकी रूटीन का काम कर रहे हैं। सर, रेगुलर बेसिस में कितने हमारे पास फाइल रहती हैं, कितना काम हम लोग जो है लगातार कर रहे हैं? रेगुलर बेसिस पे हमारा सारा काम ऑनलाइन है, हम आपको ऑनलाइन रिपोर्ट निकाल के दिलवा देंगे। सर, आपके विभाग की तरफ से जो कर्मचारी समय पर नहीं पहुंचे हैं, आप समय पर थे, आप पहुंचे थे, आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी? सीएम की तरफ से अलग, आपकी तरफ से क्या कार्रवाई? हमारी तरफ से उनके खिलाफ जो भी कारण बताऊंगा वो जारी किया जाएगा और उसके हिसाब से फिर उनकी जो भी आदत है उनकी छुट्टी काटी जाएगी। छुट्टी नहीं है तो उनका जो भी सैलरी काटने का प्रोसेस जो भी हमारे विभाग है प्रोसेस है उसके हिसाब से ही करी जाएगी। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, जैसा कि आपको पता था कि पीछे यहाँ हड़ताल थी कल रक्स की, तो जिसकी वजह से काफ़ी काम जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो मुझे पेंडेंसी मिली थी, वो पेंडेंसी अराउंड 80-85% पेंडेंसी हम निपटा चुके हैं। और चूँकि हमारा रूटीन का काम भी है तो रूटीन का काम हमारा जैसे 1 सितंबर के बाद का मेरे पास कोई भी काम पेंडिंग नहीं है। और इसके अलावा जो पेंडेंसी है वो मैंने 80-85% बता चुका हूँ, लगभग मुझे 7-8 हज़ार फाइल उस टाइम पेंडिंग मिले थे, तो वो भी जो बाकी बची हुई कोई फाइल है वो शुक्रवार तक रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है सर। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।